बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मक्स न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये चैनल यहाँ पर शुरू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो आवाम की सेंटीमेंट्स हैं, जो आवाम की ख्वाहिशात हैं, और जो सही मायनों में आवाम के मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला ये चैनल जो है उनको भरपूर तरीके से उजागर करेगा। और इसके अलावा दुनिया के और इंटरनेशनली और बाकी यहाँ पर जो नेशनल लेवल के जितने इश्यूज़ हैं उनको मैं समझता हूँ कि सही तरीके से आवाम के सामने पेश करेंगे। ज़ाहिर है आजकल जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मीडिया का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मीडिया इसमें अपना सही मानों में किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करेगी, और ख़ास तौर पर ये चैनल जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करेंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला अनकरीब, चूँकि मैं काफ़ी अरसा बीमारी की वजह से मीडिया से और बाकी उस हवाले से दूर था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और मेरे दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। तो अब इसमें मैं भरपूर तरीके से आइंदा इंशाअल्लाह ताला इसमें पार्टिसिपेट भी करूँगा, और अनकरीब जो है ज़रात के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि इस शोबे के साथ मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी है, और चूँकि इस हवाले से मैं मुल्की सियासत में भी, मुझे दो दफ़ा इस पोर्टफोलियो के में काम करने का मौका मिले इसके ऊपर भी, और बाकी जो मजमुई पॉलिटिकल पोजीशन है मुल्क के अंदर उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपना इजहार करूँगा। मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला ये चैनल जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से पूरे करेगा, और जो अवामी मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से पेश करेगा। शुक्रिया।